नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके एग्ज़ाम अपडेटेड चैनल एग्ज़ाम टॉक विद आकाश में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल क्लास सिक्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के चैप्टर मेंसुरेशन के टॉप 25 सवाल। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं। इनका टाइप जो है वो बिल्कुल सेम रहता है हर एक एग्ज़ाम में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये सवाल डिट्टो आपके एग्ज़ाम में आएगा, पर इसका मैं गारंटी लेता हूँ कि इसी टाइप का, बस कुछ नंबरों में डिजिट और डिजिट में चेंजेस होगा, पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। अगर आप ये सवाल बनाते हैं तो आपका फिर सैनिक स्कूल में सिलेक्शन पक्का होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन का सवाल। का पहला सवाल है, हाउ मेनी स्टोन ऑफ 0.50 मीटर स्क्वायर कैन बी फिक्स्ड इन अ कोर्ट यार्ड ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड विड्थ 10 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग वन स्टोन इज 2.50 रुपीज, व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर ऑन फिक्सिंग स्टोन इन द कोर्ट यार्ड। हम अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। जॉन प्लान्स टू टाइल्स हिज किचन फ्लोर विथ स्क्वायर टाइल्स, ईच साइड ऑफ टाइल इज 10 सेंटीमीटर, हिज किचन इज 2.2 मीटर लॉन्ग एंड 1.8 मीटर वाइड, हाउ मेनी टाइल्स विल जॉन नीड। हम अपने तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पार्क इज 88 मीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ अ पार्क। ये एक या दो मार्क्स के सवाल में आता है, पहला जो एक नंबर और दो नंबर जो था वो तीन मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। हम अपने चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड अ 36 मीटर एंड 24 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड इफ द कॉस्ट ऑफ वायर इज रुपीज 1.50 मीट पर मीटर। हम अपने पांचवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर हैव सेम पेरीमीटर 100 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर इफ द रेक्टेंगल हैज अ ब्रेथ 2 मीटर लेस देन दैट ऑफ स्क्वायर, फाइंड द ब्रेथ द लेंथ एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हम अपने छठे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अ ब्रिक मेजर 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 71 बाय 2 सेंटीमीटर, हाउ मेनी ब्रिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल ऑफ 25 मीटर लॉन्ग 2 मीटर हाई एंड 3/4। हम अपने आठवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। द वेट ऑफ अ बुक इज 1 kg 350 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ 25 बॉक्सेस ऑफ ईच बॉक्स कंटेन 38 बुक। हम अपने नौवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए कारपेट इज 6.60 मीटर लॉन्ग एंड 3.75 मीटर ब्रॉड, द कारपेट इज सराउंडेड बाय लेस, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस। हम अपने दसवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। अ कंटेनर हैज 4 लीटर एंड 650 मिलीलीटर ऑफ कर्ड इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। हम अपने ग्यारहवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमित प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विथ स्क्वायर टाइल्स, ईच साइड ऑफ टाइल्स इज 10 सेंटीमीटर, हिज किचन इज 2.6 मीटर लॉन्ग एंड 1.7 मीटर वाइड, हाउ मेनी टाइल्स विल अमित नीड। तो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन जितने भी मैंने अभी तक दिए हैं, अगर आप आसानी से कर पा रहे हैं तो इस बार आपके सैनिक स्कूल में सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब 100% है। अगर ये सब सवाल अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, इन सवालों को बार बार दोहराइए, क्योंकि सैनिक स्कूल एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है। वो लगभग हर साल इसी टाइप का क्वेश्चन देता है, बस चेंजेस जो होंगे वो कुछ डिजिट में चेंजेस होते हैं जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, और कुछ खास चेंजेस नहीं होता है। अगर आप इन सारे प्रश्नों का भी प्रैक्टिस अगर सही से करके एग्जाम में जाते हैं तो फिर आपका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने बारहवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए ब्लॉक ऑफ वुड इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब, इट्स एजेस इज 4 मीटर, हाउ मेनी रेक्टेंगल पीसेज ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम द ब्लॉक इफ देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वुड। हम अपने तेरहवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी ब्रिक ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 77.5 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ 15 मीटर लॉन्ग 1.8 मीटर हाई एंड 37.5 सेंटीमीटर थिक। हम अपने चौदहवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी वुडन क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ एज
20 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ लॉग ऑफ वुड ऑफ साइज 8 मीटर बाय 5 मीटर बाय 80 सेंटीमीटर एज्यूमिंग देयर इज नो वेस्टेज। हम अपने 15वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल आर ईच इक्वल टू 44 सेंटीमीटर फाइंड देयर एरियाज विच एरियाज इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। हम अपने 16वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 79.2 सेंटीमीटर गिवन दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। हम अपने 17वें सवाल की ओर पढ़ते हैं। ए कारपेट इज 5 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 5 मीटर ब्रॉड द कारपेट इज सराउंडेड बाय लेस फाइंड द लेंथ ऑफ अ लेस। तो दोस्तों मैं सैनिक स्कूल क्लास के लगभग हर एक चैप्टर मैथ्स के लगभग हर एक चैप्टर का इम्पॉर्टेंट सवाल लेके आ रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि वो जो वीडियो है वो आपके तक पहुँचे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं। मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के नंबर सिस्टम के वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके इस ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो पूरा देखें और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों हमने 18th सवाल की ओर बढ़ते हैं। जॉन प्लान्स टू टाइल्स हिज फ्लोर विद स्क्वायर टाइल्स ईच साइड ऑफ टाइल इज 10 सेंटीमीटर हिज किचन इज 2.2 मीटर लॉन्ग एंड 1.8 मीटर बाय वाइड हाउ मेनी टाइल्स विल जॉन नीड। हम अपने 19th सवाल की ओर बढ़ते हैं। ए पॉन्ड इज 5 मीटर लॉन्ग 4 मीटर वाइड 2.5 मीटर डीप हाउ मेनी वाटर डज इट कंटेन। हम अपने 20th सवाल की ओर बढ़ते हैं। The capacity of two types of container is 6.5 meter, 6.5 liter, 9.5 liter respectively. How much oil will be required to fill 16 of first type and 18 of second type of container? हम अपने 21 सवाल की ओर बढ़ते हैं। A swimming pool of 90 meter of length, 60 meter of breadth is to be laid with tiles of length 30 centimeter and breadth 20 centimeter. Find the number of tiles required and also the total cost of 100 tiles is rupees 525. तो हम अपने 22th सवाल की ओर बढ़ते हैं। A pit of 50 meter long, 40 meter wide and 1 meter deep is dug. Find the volume of earth dug out from the pit. हम अपने 23rd सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि है A chalk box measures 7 centimeter in length 5 centimeter in breadth and 3 centimeter in height. How many chalk boxes can be placed in a box whose length, breadth and height are respectively 49 centimeter, 25 centimeter and 15 centimeter? हम अपने 24th सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है, The length of a rectangular field is twice of its breadth and its breadth is 105 by 2 meter. Find the area of a field. हम अपने 25th सवाल की ओर बढ़ते हैं। Find the volume of a geometry box whose length is 11.05 centimeter, breadth is 5.05 centimeter and height is 1.03 centimeter. तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं सैनिक स्कूल के रिजल्ट एडमिट कार्ड ये सब के रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन सबसे पाने के लिए आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर दबा दें। बेल आइकन दबाने से ये जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा आने वाले चैप्टरों का वो आपके 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 पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।